गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गुफरान सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल MG एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज आप सबके लिए टॉपिक लेकर आए हैं कि डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं, यानी कि जन्मतिथि कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली जन्मतिथि निकालने के लिए दोस्तों हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला वर्तमान तिथि यानी कि आज का दिनांक, और दूसरा जिस व्यक्ति की हम जन्मतिथि निकालना चाहते हैं उस व्यक्ति का हमें जन्म दिवस पता होना चाहिए, यानी कि किस माह में, किस ईयर में और किस दिन उसकी पैदाइश हुई है। अगर इन दोनों चीज़ों को हमें ज्ञात है तो आसानी से उस व्यक्ति का हम जन्मतिथि निकाल सकते हैं। दोस्तों इनमें होता क्या है कि इनमें अगर जन्मतिथि निकालने की बात आती है तो इनमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जब हम किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो उनमें जो प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा जो हम किसी व्यक्ति की रियल जन्मतिथि निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही प्रकार का डिस्कस करेंगे। रियल जन्मतिथि के बारे में हम पता करेंगे और उसी पर बेस्ड आपकी एग्जामिनेशन वाले प्रश्न भी आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें ये दोनों चीज़ पता है तो हम उस व्यक्ति का हम निकाल सकते हैं क्या जन्मतिथि। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति का जन्मतिथि निकालते हैं तो इनमें एक दिक्कत ये आती है कि जब ईयर और वर्ष यानी कि और दिन यहाँ पर निकालना होता है तो व्यक्ति मोटे तौर पर आसानी से निकाल लेते हैं कि वो कितने साल का है, लेकिन जब बात ये आती है कि एग्जैक्ट वो कितने दिन, कितने माह और कितने ईयर का है, तब हमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो चलिए हम पता करते हैं कि कैसे जन्मतिथि को निकालते हैं। तो इनमें दोस्तों चार प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, यानी कि बन सकते हैं, और वो चार प्रकार से हम क्रमवाइज उनका डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रकार की हम बात करेंगे। पहला प्रकार वो क्या होगा कि इनमें जो आपका होता है दिन होता है, माह होता है, वर्ष होता है। तो इनमें जो चार प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला जो होगा वो दिन, माह और वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि दिन जो होता है एक मंथ में 30 होते हैं, 29 या 31 तक हो सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर माह 12 तक में से कोई भी हो सकते हैं और वर्ष कोई हो सकता है। तो जैसे आज वीडियो शूट की जा रही है कि 17 तारीख दूसरा महीना 2021 को यहाँ पर जन्मदिन किसी व्यक्ति का हम ले लेंगे और ये देखेंगे कि आज वो व्यक्ति यानी कि 17 तारीख को दूसरे महीने में 2021 को कितने दिन, कितने माह और कितने वर्ष का हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले प्रकार में क्या होता है कि ये दिन जो होते हैं और माह होते हैं, वर्ष, ये तीनों छोटे होते हैं। और दूसरे प्रकार में क्या हो सकता है कि दिन, देखिए दिन से ये यहाँ पर 17 है, ये 17 से बड़ा हो सकता है, और तीसरे में माह जो है वो ये जो दिया होगा इससे बड़ा हो सकता है, और चौथे में दिन और माह दोनों बड़ा होंगे। और देखिएगा दोस्तों वर्ष जो होता है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर जन्म लिया होगा वो जाहिर की बात है कि वर्तमान तिथि से छोटा ही होगा, वर्तमान ईयर से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 2 तारीख और पहला महीना और 1995 को किसी की पैदाइश हुई, और आपसे पूछा गया कि 17/2/2021 को वो कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का है। तो यहाँ पर घटाने के लिए दोस्तों क्या होता है कि इनमें सिर्फ जो हासिल लेना होता है सिर्फ उसी में थोड़ा दिक्कत आ सकती है लोगों को, बाकी घटाने का प्रोसेस सब वही है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 17 में से 15 गए तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि दाहिने से घटाना शुरू करते हैं, 7 में से 5 गए 2 और 1 में से गए 0। वैसे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दाहिने से नहीं घटाकर बाएं से घटाना शुरू करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हासिल लेना हो यानी कि कैरी लेना हो तो दिन में माह से हम कैरी ले सकते हैं और माह में वर्ष से कैरी ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर दिन से बड़ा माह होता है और माह से बड़ा वर्ष होता है, इसलिए हम घटाने का प्रोसेस बाईं तरफ से करते हैं। तो चलिए 17 में से 2 गए आपके कितना हुआ 15, और यहाँ पर 2 माह में से 1 माह गए बचे 1, और यहाँ पर देखिए 2021 में से 1995 घटाना है तो यहाँ पर 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 5 गए आपके 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर बचा 1, अब यहाँ पर एक उधार ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 11, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बचा 9, 9 में से 9 गए। अच्छा 9 क्यों बचा, यहाँ पर जब आपका 1 बचा था तो 1 में से 9 जाता नहीं, इसलिए यहाँ पर 1 हासिल लिया,
तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ से एक हासिल लिया तो हो गया 10, और फिर यहाँ से एक हासिल लिया यहाँ पर हो गया 11 में से 9 गए, तो यहाँ पर कितना बचा 9 में से 9 गए कट गया, यानी कि व्यक्ति जो है वो 26 साल 15 दिन 1 महीने का है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे प्रकार की बात करते हैं, दूसरे प्रकार में क्या हो सकता है कि हमने बताया कि जो दिन होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो मान लिया हमने यहाँ पर 19 तारीख और पहला महीना 1995 को उस व्यक्ति की पैदाइश हुई, तो वो कितने दिन कितने माह और कितने ईयर का होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 17 में से 19 घटाएंगे, तो 17 में से 19 घट नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर जो कैरी लेंगे यानी हासिल लेंगे तो यहाँ पर एक मंथ लेंगे, और एक मंथ में देखिए 31 दिन 29 दिन और 30 दिन या 28 हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो एवरेज होता है एक मंथ में वो 30 दिन होता है, तो यहाँ पर 30 दिन इसमें जब हासिल लेंगे तो इसलिए 30 ही लेंगे हमेशा, तो 30 और 17 हो जाएगा 47 में से 19 के कितना बचा आपका 28 बचा, और यहाँ पर कितना हो गया जब यहाँ पर कैरी ले लिया तो यहाँ पर बचा एक, क्योंकि एक मंथ कैरी हो गया है, तो यहाँ पर जब एक बचा और एक में से एक गया तो कितना हो गया आपका 0, यानी कि वो व्यक्ति 26 साल 28 दिन का है, ये आपका था दूसरा प्रकार। अब देखिएगा तीसरे प्रकार में क्या हो सकता है, तीसरे में क्या कंडीशन हो सकती है, तीसरे में कंडीशन ये हो सकती है कि जो माँ है वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर माँ हमने मान लिया यहाँ पर 3 मान ली, तब 19/3/1995 की और जन्मदिन है तो वो आज कितने ईयर कितने मंथ कितने दिन का होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिएगा, और ये आपका छोटा होगा दूसरे प्रकार में, तीसरे प्रकार में यहाँ पर देखिए मान लिया हम यहाँ पर 14 ले लें, तो यहाँ पर 14 में से 17 में से 14 गए आसानी से हम पता कर सकते हैं कितना हो जाएगा 3, अब यहाँ पर देखिए 2 में से 3 आप नहीं घटा सकते, तो यहाँ पर हासिल लेने के लिए यहाँ पर देखिए वर्ष है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर जब हासिल लेंगे तो एक ईयर लेंगे, तो एक ईयर में कितने माह होते हैं 12 आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 2 12 2 14, यहाँ पर 14 में से आपका 3 गया तो कितना बचा 11, यहाँ पर जब आपने यहाँ पर कैरी लिया तो 2021 में से एक कैरी हो गया तो यहाँ पर कितना बचा 2020, अब देखिए 2020 में से 1995 गए तो एक साल कैरी हो गया तो यहाँ पर कितना बचा 25, या आप घटा भी सकते हैं 10 में से 5 गए 5 25 साल हो जाएगा। अब देखिए ये था तीसरा प्रकार, और चौथी कंडीशन में क्या हो सकता है कि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों चौथी कंडीशन में दिन और माह दोनों आपके क्या हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे, तो जब दिन और माह जब बड़े होते हैं तो यहाँ पर मान लिया 19, यहाँ पर मान लिया आपने 3, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो जन्मदिवस है 19/3/1995 है, 17/2/2021 को वो व्यक्ति कितने दिन कितने माह और कितने ईयर का होगा, तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे 17 में से 19 फिर वही प्रोसेस, यहाँ पर एक धार ले लिया तो कितना हो गया 47, 47 में से 19 गए 28 बचा आपका, यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर एक बचा है एक मंथ, तो यहाँ पर देखिए एक में से 3 जाएगा नहीं इसलिए यहाँ पर एक उधार लेंगे, तो यहाँ पर एक ईयर उधार होगा, एक ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ 12, और यहाँ पर एक बचा हो गया 13, 13 में से 3 गए आपके 10 हो गया, यहाँ पर अब देखिएगा एक ईयर जब हासिल ले लिया तो कितना बचा 2020, अब 2020 में से 1995 गए तो 10 में से 5 गए आपके 5 बचे, यहाँ पर 11 में से 9 गए 2, यानी कि वो व्यक्ति आज 25 साल 28 दिन 10 महीने का है। तो दोस्तों जितने भी इसमें कंडीशंस बन सकते हैं जन्मतिथि के, यानी जन्मतिथि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम उन सारे टाइप्स को कवर करा दिया है। तो दोस्तों हमने जन्मतिथि को निकालने के लिए जो 4 प्रकार के प्रश्नों का अवलोकन किया, आइए हम एक बार उनका रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था वो। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रकार था उनमें दिन माह और वर्ष तीनों जो वर्तमान तिथि होते हैं उनसे छोटा था, और दूसरे में क्या था दूसरे में कि जो दिन था वो वर्तमान तिथि से जो जन्मदिन था वो बड़ा हो गया था क्या दिन, और तीसरे प्रकार में क्या था माह आपका बड़ा हो गया था, और चौथे प्रकार में क्या हुआ कि जिनमें दिन भी बड़ा था माह भी बड़ा था, और वर्ष दोस्तों कभी भी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि जिस व्यक्ति की हम जन्मतिथि निकालना चाह रहे हैं वो व्यक्ति ऑब्वियसली यानी कि ये क्लियर है कि वो वर्तमान तिथि से पहले ही पैदा हुआ होगा।
तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ चार ही प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो हमने आपको कवर करा दिया है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और दोस्तों हम अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ, अन्य टॉपिक के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।